हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इंग्लिश स्पोकन कोर्स डे 5। इसमें हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में, कुछ वोकेबुलरी देखेंगे और कुछ ऐसे देखेंगे यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चैनल के ऊपर जाके सभी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज की जो प्लेलिस्ट होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे तो यहाँ पे शो मोर की ऑप्शन आएगी, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे स्पोकन कोर्स की ग्रामर वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीजनिंग वीडियो, मैथ, व्हाटएवर, ठीक है, सभी वीडियोस यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे। इसकी जो पहचान होती है हिंदी में वो क्या होती है? इस टेंस में जो मुख्य क्रिया के साथ क्या होगा यहाँ पे? गा, गे, गी। इसका यहाँ पे प्रयोग होगा किसी भी टेंस में लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राम घूमने जाएगा, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? गा रहा है। इट मीन्स ये पहचान होगी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की। सीता नाचेगी, लोग घूमेंगे इत्यादि, इन सभी का यहाँ पे इस्तेमाल होगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। ये पहचान आप लोगों को पता होनी चाहिए हिंदी में। अब देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या पहचान होगी। यहाँ पे जो सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, इसमें जब भी यहाँ पे जो कोई भी सिचुएशन हमारे पास इस तरह की आ रही है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तब हम यहाँ पे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तब हम यहाँ पे फ्यूचर टेंस का, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मैं कहूँ कि आई विल विन द मैच टुमारो, कल मैं मैच जीतूंगा। अब यहाँ पे मैं आज यहाँ पे ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ फ्यूचर के बारे में कि जो कल मैच होगा उसको मैं जीतूंगा। अब यहाँ पे जो सिचुएशन होगी उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे एक प्रेडिक्शन की है, क्लियर है, तब हम यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड कंडीशन आप लोगों ने क्या याद रखनी है, जब भी यहाँ पे मेन वर्ब होगी क्या? बी। जब भी यहाँ पे मेन वर्ब होगी बी, तब हम यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारे प्लान होने होंगे या डिसीजन होगा कोई भी बोलने से पहले, वो 100% होने वाले हैं, यहाँ पे पक्के होंगे, तब हम यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई विल बी इन कैनेडा टुमारो, कल मैं कैनेडा में हूंगा। यहाँ पे ये जो मेरा प्लान है ये क्या है? पक्का है, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का। सो आई होप आपको यहाँ पे पता लगा होगा कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का हम कहाँ पे यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। रूल्स देख लेते हैं जल्द से जल्द। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव या पॉजिटिव। इसमें जो बेसिक रूल होगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम विल मीट यू, राम तुमसे मिलेगा। सीता विल वॉश क्लॉथ, सीता कपड़े धोएगी। रमेश विल गो टू सिंगापुर फ्रॉम दिल्ली, या रमेश विल गो टू फ्रॉम दिल्ली टू सिंगापुर, रमेश दिल्ली से सिंगापुर जाएगा। इसमें हम अफर्मेटिव का इस्तेमाल करेंगे इस वे में। नेक्स्ट है यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में यहाँ पे रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम विल नॉट मीट यू। राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे विल नॉट, विल नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे यानी कि यू, राम तुमसे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुरेश विल नॉट ड्राइव द कार, सुरेश कार नहीं चलाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम फोर व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब भी हम फोर व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ड्राइव का यूज करेंगे। अगर तो हम टू व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि बाइक हो गया, एक्टिवा हो गई, साइकिल हो गया, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे राइड, क्लियर है। दोनों में यहाँ पे कंफ्यूजन ही रखना कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे आई विल नॉट विन दिस क्रिकेट मैच, मैं इस क्रिकेट मैच को नहीं जीत पाऊंगा।
सो नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे इंटेरोगेटिव। सो इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होगा अगर तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इसका सेंटेंस में, अदरवाइज नहीं तो हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, फिर इसका यहाँ पे फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे याद रखना कि जो विल और शैल, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे शैल का इस्तेमाल क्यों नहीं कहा किया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो शैल का इस्तेमाल होगा और विल का, यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम मोडल्स के बारे में यहाँ पे करेंगे डिटेल में, तब यहाँ पे डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट आप लोगों ने सिंपल विल का ही यहाँ पे इस्तेमाल करना है सभी केसेस में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल रानी गो टू टेम्पल, क्या रानी मंदिर जाएगी। वेन विल राम मीट यू, राम कब मिलेगा। वेयर विल पीपल गो, लोग कहाँ जाएंगे। क्लियर है। सो नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सो सिमिलरली डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट करेंगे, अगर है देन अदरवाइज हम सिंपली विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे इसे। सो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट वी विल यूज हियर। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाई विल राम नॉट मीट यू, राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा। सेकेंड, विल चिराग नॉट स्लैप टू रोहित, क्या चिराग रोहित को थप्पड़ नहीं मारेगा। स्लैप होता है थप्पड़ मारना। विल पंकज एंड रोहित नॉट प्ले क्रिकेट मैच टूगेदर, क्या पंकज और रोहित एक साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। विल शी नॉट कॉल यू, क्या वो आपको नहीं बुलाएगी। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे रूल समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक हम जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो स्टार्ट करेंगे, टंग ट्विस्टर या स्पूनरिज्म। सो यहाँ पे आप लोगों ने 10 times इसे रिपीट करना है। सो द सेलर थॉट हिज शिप वॉज सिंकिंग, सच थॉट्स नो सेलर शुड बी थिंकिंग। तो जितना फास्ट हो सके आप लोगों ने इसे रिपीट करना है 10 times। सो इससे आपकी यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इंग्लिश बोलने में। सो नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी आप लोगों ने क्या करनी है। सो यहाँ पे आपको 5 topics गिवन है। सो इनके ऊपर आप लोगों ने 10 lines ईच टॉपिक आप लोगों ने बनानी है और उसे यहाँ पे बोलना है 10 times हर लाइन को। क्लियर है। सो इससे आपकी स्पीकिंग प्लस राइटिंग यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे टेलीफोन, सेकंड एजुकेशन, थर्ड ताजमहल, फोर्थ फैशन, फिफ्थ यहाँ पे फ्रेंड। तो इन सभी के ऊपर आप लोगों ने 10 lines यहाँ पे बनानी है, देन आप लोगों ने बोलना है। सो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, सो इसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। सो इंग्लिश में बनाना है, इसके कुछ यहाँ पे हिंट नीचे गिवन है। सो यहाँ पे बनाने के बाद आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सभी आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएंगी, PDF फाइल्स। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं, वोकैबुलरी या एंटोनियम। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है उसे बोलते हैं। सो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल। सेकेंड वन इज परस्यूट। परस्यूट होता है पीछा करना। अवॉइडेंस होता है टाल मटोल करना। थर्ड है यहाँ पे विवेशियस। विवेशियस होता है यहाँ पे जिंदा दिल। लैंग्वेड, लैंग्वेड होता है यहाँ पे सोस्त। निफेरियस, निफेरियस होता है पापी। रेप्यूटेबल, इज्जतदार। हम्बल, इसका ऑपोजिट आएगा प्राउड। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रिवोलस। फ्रिवोलस यहाँ पे, या इसे हम केयरलेस भी बोल सकते हैं। सो इसका ऑपोजिट आएगा यहाँ पे सीरियस। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पॉवरिश। इम्पॉवरिश होता है पुअर, या इसका ऑपोजिट एनरिच। एक्वेटिक, एक्वेटिक होता है यहाँ पे जो पानी के अंदर जीव जंतु या पेड़ पौधे जो होते हैं, सो उन्हें बोला जाता है एक्वेटिक। तो इसका यहाँ पे ऑपोजिट होगा टेरेस्ट्रियल। सो नेक्स्ट है यहाँ पे क्रेडुलस। क्रेडुलस का ऑपोजिट होगा इनक्रेडुलस। सो नेक्स्ट यहाँ पे फोबिट। फोबिट का यहाँ पे होगा परमिट। सभी को यहाँ पे याद करके आप लोगों ने इनके ऊपर यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं। सो प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे डे 5 समझ में आया होगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो अपने आसपास सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना, यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।